हे गाइस वेलकम बैक टू लाइफ टाइम फिटनेस टीवी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो रेगुलर जिम में जाते हैं या वो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वेट को उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा वेट उठाते हैं, अपनी लिमिट से ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो उसके क्या डिसएडवांटेज रह सकते हैं और उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर हम ज़्यादा वेट उठाते हैं वो गलत बात है। मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपकी लिमिट से ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी कोई वेट उठाते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर राइज करता है। तो अगर आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वेट लिफ्टिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है, या आप थोड़ा वेट उठाएं तो थोड़ा कम उठाएं। तो जिन लोगों के ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उनके लिए वेट लिफ्टिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम ज़्यादा वेट उठाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि हमारी फॉर्म जो है वो गलत आए, क्योंकि आजकल के यूथ बहुत लोग जिम जाते हैं तो वो वेट उठाते हैं और उनको सही प्रॉपर फॉर्म के बारे में पता नहीं होता। तो आप जब भी वेट उठाएं तो किसी ट्रेनर या किसी एल्डर से पूछ लें कि फॉर्म सही क्या है, या अपने साथ किसी ट्रेनर को रखें जो आपको फॉर्म ढंग से बता दे। और अगर आप फॉर्म गलत रखोगे तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है जो बाद में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है, जिसको इजीली प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी नहीं। तो इसलिए आप वेट उतना ही उठाएं कि जितना आपसे इजीली उठ जाए। तो ये तो हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि एक बहुत कॉमन पॉइंट है कि आपके मसल में इंजरी पड़ सकती है। तो अगर हम जब भी वेट ज़्यादा उठाएंगे तो उससे हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, और अगर हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में वेट उठा लिया तो उससे मसल में हमारे इंजरी पड़ सकती है, और वो एक ऐसी इंजरी भी हो सकती है जो हील होने में टाइम ले या वो हील कभी हो ही नहीं। तो जितने भी हमारे बॉडी में टेंडन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अगर वो डैमेज हो गए तो उससे बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी होती है वो भी आपसे नहीं हो पाएगी, जैसे वॉकिंग साइकिलिंग ये हो, वो भी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अगर वो जिम जाएंगे तो हमने किसी बड़े एल्डर को देखेंगे कि वो ज़्यादा वेट उठा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा वेट उठाने लग जाते हैं। अगर आप नए नए जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हो सके तो 2-3-5 किलो से ज़्यादा मत उठाएं आपके फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तो आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको आपकी बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, तो आप एक कम वेट उठाएंगे तो उससे भी सही रहेगा। आप गलती से भी ज़्यादा वेट मत उठाना और लोगों को देख के, क्योंकि उससे एक ऐसी इंजरी पड़ सकती है जो पूरी आपके लाइफ टाइम लग जाएगी उसको रिपेयर करने में। तो ये बहुत गलत बात होती है। आप कभी भी वेट ज़्यादा उठाना, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही वेट उठाना, ज्यादा उठाओगे तो दिक्कत होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट भी हमारे थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड है, वो है कि अगर हम ज्यादा वेट उठाएंगे तो हमारे टेंडन्स भी डैमेज हो सकते हैं। टेंडन्स ही बोन और मसल को ज्वाइन करके रखते हैं, और उसी की वजह से हम वेट लिफ्ट या और भी कोई एक्टिविटी होती है वो कर सकते हैं। अगर आपके टेंडन्स डैमेज हो गए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको कुछ अपनी 1 महीने या 2 महीने तक आपको आपकी एक्सरसाइज रोकनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप जिम में जाए तो वेट ज्यादा मत उठाएं, जैसे कि हो सके से आपने आपके फर्स्ट और सेकंड वीक में अगर आपने 5 kg तक उठाया तो आपके 1 महीने बाद आप 7.5-10 उठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 15 या 20 उठा लिया, आपने किसी और को देखा और उनकी देखा देखी आपने उठा लिया, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे मैंने बताया था। और ये थी गाइस आज की वीडियोस, मैंने आपको समझाया कि अगर आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी जिम फ्रेंड्स हैं, जिम बडी हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।